गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कराटे की बेसिक पंचेस किस तरह से होती है, कौन सी होती है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसका मेन होता है वो स्टांस होता है, जिस स्टांस में या जिस पोजीशन में पंचेस की प्रैक्टिस की जाती है। तो ये बेसिक चीज़ें, पहले हम उसका स्टांस देखते हैं। तो ये जो स्टांस होता है इसको सेम स्टांस कहते हैं। तो वो किस तरह से होता है वो पहले अपन देख लेते हैं। इस तरह से ये सेम स्टांस होता है, पूरी तरह से बाहर और पंच ये इस तरह से फिट करना है और कमर पे रखना है। इस तरह से जितना तुम नीचे इसको बेंड करते हो शुरू में तकलीफ होती है, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी हैबिट बढ़ेगी वैसा ये दर्द नहीं होगा और इजी लगेगा। इससे तुम्हारी ये जो मसल्स हैं पूरी बनती है, फिट होती है। शुरू में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, तो फिर भी हैबिट कोशिश करना है कि ज़्यादा देर तक नीचे रुके। सबसे पहला जो पंच होता है वो होता है मिडल पंच, स्टमक में मारा जाता है। तो लाइक दिस बॉडी को इजी छोड़ना है, इस तरह से पंचेस को इसको खींचना है और उसको पुश करना है। ठीक है, पंच थोड़ा सा नीचे की ओर चाहिए, दो लकेंस स्टमक के अंदर लगने चाहिए। ओके, हवा में भी ताकत होती है, इससे लगातार प्रैक्टिस करने पे आपको महसूस होगी। इस तरह से दूसरा जो पंच होता है वो होता है फेस पंच, जो नाक पे मारना है, मुंह पे मारना है। तो सेम पोजीशन, इस तरह से नाक के सामने अपना पंच लेना है और खींच कर मारना है। ओके, अपनी नज़रें अपने टारगेट के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल इजी, खाली शोल्डर ही वर्क करना चाहिए। तीसरा जो पंच होता है वो होता है लोअर पंच, जो कमर के नीचे के हिस्से में मारे जाता है। तो वो भी देखते हैं पोजीशन। लोअर पंच ये हुआ कमर के नीचे, ठीक है, खींचना है, मारना है। ओके, नज़र बिल्कुल सामने, झुकना नहीं है, बॉडी का खाली शोल्डर वर्क करेंगे, बाकी जो है एक पूरा स्ट्रक्चर तुम्हारा ऊपर के ऊपर एक बैलेंस, हिलना नहीं है बिल्कुल। ओके, दोनों हाथ से जब पंच कर रहे हैं तो एक बात याद रखनी है, दोनों पंच एक ही टारगेट पे आना चाहिए, एक ही जगह पे आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लेफ्ट से मार रहे तो लेफ्ट साइड में जाएगा, राइट साइड में मार रहे तो राइट साइड में, इस तरह से नहीं चलेगा। यही बात का ध्यान रखना है, बने रहे, प्रैक्टिस करें।